नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। मंगलवार को योगी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बता दें, कैबिनेट में रखे गए 15 प्रस्ताव में 14 को मंजूरी मिली है, जहां डाटा सेंटर नीति 2022 के तहत निवेशकों को बजट पास हुआ है। वित्तीय प्रोत्साहन के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। श्रृंगवेरपुर धाम में विशिष्ट कार्यों के निर्माण का प्रस्ताव पास हुआ है। साथ ही होमगार्ड और स्वयं सेवकों को ड्यूटी भत्ता का प्रस्ताव मंजूर हुआ है। वायुयान के मेंटेनेंस एंड रिपेयर के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। 2022-23 में 35 करोड़ वृक्षारोपण कराने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। साथ ही नोएडा हवाई जहाजों के रिपेयर मेंटेनेंस का हब भी बनेगा। योगी कैबिनेट की बैठक हुई है और इसमें कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। ये वो प्रस्ताव है जिनसे प्रदेश की उन्नति होगी और कई नई चीजें देखने को भी मिलेगी। मंगलवार को योगी कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट में रखे गए 15 प्रस्तावों में से 14 को मंजूरी मिल गई है और एक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है, जहां डाटा सेंटर नीति 2022 के तहत निवेशकों को बजट पास कर दिया है। जो निवेशक है उनके लिए बजट पास कर दिया गया है। वित्तीय प्रोत्साहन के प्रस्ताव को कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल गई है। श्रृंगवेरपुर धाम में विशिष्ट कार्यों के निर्माण का प्रस्ताव भी पास हुआ है। इन 14 प्रस्तावों में से साथ ही साथ होमगार्ड और स्वयं सेवकों को ड्यूटी भत्ता का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया गया है। वायुयान के मेंटेनेंस एंड रिपेयर के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। 2022-23 में 35 करोड़ वृक्षारोपण कराने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। वृक्षारोपण एक अहम मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह से वायु प्रदूषण का हमेशा मुद्दा उठता रहता है और सर्दियों में इसकी बार देखने को मिलती है, तो वृक्षारोपण की ओर भी सरकार ने ध्यान दिया है और 22-23 में 35 करोड़ वृक्षारोपण करने का प्रस्ताव मंजूर किया है। साथ ही साथ नोएडा हवाई जहाजों के रिपेयर मेंटेनेंस का हब बनाने को लेकर भी प्रस्ताव पास कर लिया गया है। तो आज लखनऊ में योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। 15 में से 14 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन जुड़ चुके हैं। नितिन, आज 15 में से 14 प्रस्ताव मंजूर कर दिए गए हैं, कुछ अहम प्रस्तावों के बारे में जानकारी चाहेंगे। नितिन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल शिखा, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। देखिए, ये जो 14 प्रस्ताव आज पास किए गए हैं, और इन 14 प्रस्तावों में कहीं ना कहीं सरकार ने देखिए, आज ये जो 14 प्रस्ताव जो है वो पास किए गए हैं, ये कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर हुई थी, और इसमें जो 14 प्रस्ताव पास किए हैं उसमें कहीं ना हाँ बिल्कुल शिखा, मुझे आपकी आवाज़ मिल रही है। देखिए, ये जो 14 प्रस्ताव आज पास किए गए हैं, कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर हुई थी, और इन 14 प्रस्तावों में कहीं ना कहीं सरकार ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश में युवाओं को कैसे रोज़गार से जोड़ा जाए, उसके लिए कहीं ना कहीं दृष्टिगत तरीके से इन प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। सबसे पहले अगर हम बताएं तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो डाटा सेंटर नीति 2021 है, उसको और बढ़ाया कैसे जा सकता है, उस पर विचार विमर्श करने के बाद बताया गया है कि निवेशकों के द्वारा करीब 15,950 करोड़ रुपए का जो निवेश है, उससे 4 डाटा सेंटर पार्क बनाए जाएंगे, और इससे कहीं ना कहीं 4,000 से ज़्यादा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो युवा हैं, जो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं या फिर बीटेक के और आईटीआई के जो छात्र हैं, उन्हें इस तकनीक से जोड़ करके उन्हें रोज़गार देने की जो कोशिश है वो सरकार की तरफ से होगी। इसके अलावा सरकार की तरफ से पौधारोपण जो कार्यक्रम है उसको भी कैसे बढ़ाया जाए, उस पर भी फोकस किया गया है, और बताया जा रहा है कि 2022 से लेकर के 23 में करीब 35 करोड़ पौधारोपणों के लिए प्रदेश में शासकीय, विभागीय और पर्यावरण से जोड़ने के लिए इसको और बढ़ाया जाएगा, और कोशिश ये रहेगी कि आने वाले दिनों में इस पौधारोपण कार्यक्रम को और विस्तार से लोगों तक पहुंचाया जाए, जानकारी इसकी पहुंचाई जाए। परिवहन विभाग को कैसे बेहतर किया जाएगा, इसको लेकर के भी सरकार की तरफ से विचार विमर्श किया गया। पीडब्ल्यूडी विभाग के जरिए जो अंडर पासेस हैं उनका निर्माण और कैसे तेजी से कराया जाए, इसको लेकर के भी सरकार ने प्रस्ताव पास किया है। और कहीं ना कहीं जो किसानों की सबसे बड़ी समस्या रही है, और किसानों की समस्याओं को देखते हुए सरकार की तरफ से जो सिंचाई को लेकर के और उसको कैसे और बेहतर किया जा सके, उस पर भी फोकस करते हुए पर ड्रॉप मोर क्रॉप का जो 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 कार्यक्रम है उसे और विस्तार से बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से आज एक प्रस्ताव पास किया गया है। सरकार ने कहा है
कि सिंचाई के जरिए अगर जो जो सिंचाई करी जा रही है उस सिंचाई से और किसानों को कैसे लाभ पहुंच सके, फसलों को कैसे लाभ पहुंच सके, जो क्रॉप्स हैं उन्हें और कैसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप के जरिए मतलब हर बूंद से और बेहतर फसल कैसे निकाली जा सके, जो फसलों का जो अनुपात है उसे कैसे बढ़ाया जा सके, इसको लेकर के भी विचार विमर्श हुआ था और कृषि विभाग की तरफ से इस प्रस्ताव को पेश किया गया था जिस पर कहीं ना कहीं सरकार ने मुहर लगाई है। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो प्रदेश में होमगार्ड के संबंध में ड्यूटी भत्ता जो है वो 786 के साथ प्रतिदिन भुगतान किया जाएगा, मतलब 786 रुपये इसको और बढ़ाया गया है और उसको प्रतिदिन जो है वो भुगतान किया जाएगा। तो इस तरह के जो प्रमुख जो बिंदु थे उन पर आज चर्चा विचार विमर्श किया गया और करीब 14 ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लगाई गई है। जी, 14 प्रस्तावों पे मुहर तो लगा दी गई है नितिन, लेकिन इन प्रस्तावों से रोजगार के कितने अवसर पैदा होंगे? कई सरकार की तरफ से डाटा सेंटर पार्क बनाने की जो बात कही गई है और उसके लिए जो जो राशि है उसे भी आज स्वीकृत किया गया है। बताया जा रहा है कि करीब इस पूरे कार्यक्रम के लिए जो निवेश आया है करीब 15,950 करोड़ रुपए का निवेश, उस निवेश के जरिए कहीं ना कहीं सरकार अलग अलग ज़िलों में जो जो प्रमुख चार डाटा सेंटर पार्क्स हैं उन्हें बनाएगी और उसके ज़रिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार देने की कोशिश जो है वो सरकार की तरफ से रहेगी, पहली चीज़ तो ये है। इसके अलावा होमगार्ड विभाग की तरफ से भी जो प्रस्ताव पास किया गया या जो प्रस्ताव पेश किया गया था उस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुहर लगाई है और उसमें ये कहा गया है कि आने वाले दिनों में जो होमगार्ड के जो भी जवान हैं उनका जो भुगतान है वो समय पर कराया जाए और बढ़ा करके दिया जाए। इसके अलावा किसानों के लिए भी सरकार की तरफ से योजनाएं आई हैं, परिवहन विभाग को और इसके अलावा जो देखा जा रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे मजबूत कैसे किया जाए, जो अंडर पासेज हैं, जो निर्माण कार्य है उसे बेहतर किया जाए ताकि जो रोजगार की दृष्टि है उसको और बेहतर किया जा सके। इन सब को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार ने यार 14 प्रस्ताव पास किए हैं और उनमें रोजगार की दृष्टि से कई सारे प्रमुख प्रस्ताव हैं जिसमें डाटा सेंटर पार्क की बात हो गई या फिर जो निर्माण की बात या पीडब्ल्यूडी विभाग की बात हो गई वो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। बिजनौर के जीतपुर खरक में आज किसानों की महापंचायत होगी। आपको बता दें कि बिजली अफसर की पिटाई के मामले में किसानों की हुई गिरफ्तारी के विरोध में आज ये महापंचायत होगी। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत किसानों को भी संबोधित करेंगे, जिसको देखते हुए भारी पुलिस बल और पीएसी को तैनात कर दिया गया है। मामला तो कुछ नहीं, अपना परिवार है तो आपसे जाते हैं, मीटिंग रखी, कोई बिजली का मामला है जो गंभीर है, तीन किसान उसमें जेल में है तो उसमें विचार विमर्श कर रही,
कल मेरठ एम डी के वहाँ थी, बहुत बड़ी पंचायत थी वहाँ से एम डी कार्यालय में, तो इसी तरह की बात है। पूरा मामला न्याय का है जी, कानून का हम सम्मान करते हैं, लेकिन कानून का आधार न्याय है। जनपद का प्रशासन बिल्कुल न्याय में फेल हो चुका, इसलिए मजबूरी में जब यहाँ प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, आम जगह 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 पूरे जनपद में उत्पीड़न जिस तरीके से प्रशासन द्वारा करा जा रहा, उसी के लेकर आज इकट्ठा हुए हैं कि जो अन्यायपूर्ण प्रशासन है, जो न्याय की परिभाषा भूल चुका है, जो कानून से आगे का मामला है, जिसमें आज महापंचायत तो बुलाई गई है, और इस खबर पे हमारे साथ बिजनौर से संवाददाता तुषार जुड़ चुके हैं। तुषार, इस महापंचायत की शुरुआत कितनी देर में होने वाली, क्या कुछ जानकारी अपडेट चाहेंगे? देखिए शिखा, मैं आपको बता दूं, 18 जून में जो है एक बिजली विभाग की टीम को मुखबिर से सूचना मिलती है कि एक गांव में, जो गांव है कोतवाली शहर क्षेत्र में पड़ता है जीतपुर खरक, उसमें घरेलू बिजली चोरी की जा रही है। उसकी सूचना पर जब बिजली विभाग की टीम गांव में पहुंची तो आरोप लगाया उन्होंने, बिजली विभाग की टीम ने, कि कुछ ग्रामीणों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया है। हमला करने के बाद जो बिजली विभाग के एक्शन थे वो गंभीर चोटिल भी हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रामीणों द्वारा फावड़े से उनके ऊपर प्रहार किया गया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उसके बाद पुलिस ने जो गांव के लोग थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, और मुकदमा दर्ज करने के बाद एक किसान जो है उसकी गिरफ्तारी की गई है। उसके विरोध में आज भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष है नरेश टिकैत, उन्होंने एक महापंचायत का ऐलान किया था, जिसके बाद आज बिजनौर के खरगपुर गांव में किसानों की महापंचायत चल रही है, और बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ, साथ ही जो पुलिस के अधिकारी हैं या पुलिस विभाग है जो किसानों की सुनवाई नहीं कर रहा है, उसके विरोध में आज महापंचायत चल रही है। नरेश टिकैत जो है वो संबोधित कर रहे हैं और महापंचायत शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ बिजनौर से संवाददाता तुषार जुड़े थे। खबर कानपुर से है, जहां पुरवामीर पुलिस चौकी से 1 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे करीब 1 साल से अवैध तरीके से डीजल पेट्रोल के सभी टैंकर से पेट्रोल निकालकर अवैध तरीके से कमाई करते थे। बता दें, इस मामले पर कई बार कार्रवाई की जा चुकी है, फिर भी अभी तक इस डीजल पेट्रोल के गोरख धंधे का अवैध कारोबार लगातार जारी है। आखिर कब जिला प्रशासन इस मामले को संज्ञान में लेता है और उचित कार्रवाई करता है, ये देखने वाली बात होगी। कानपुर से डीजल पेट्रोल की चोरी की ये खबर सामने आई है, गोरख धंधा करते हुए नजर आ रहे हैं, अवैध तरह से पेट्रोल और डीजल की चोरी कर उसे बेचा जा रहा है। इसकी शिकायत पहले भी की जा चुकी है, लेकिन इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया गया है और ना ही अभी तक कोई उचित कार्यवाही करी है। तो कानपुर से ये खबर सामने आई है, जहां अवैध तरीके से कमाई करी जा रही है, डीजल पेट्रोल का गोरख धंधा देखने को मिल रहा है। करीब 1 साल से अवैध तरीके से डीजल पेट्रोल के सभी टैंकरों से पेट्रोल निकालकर अवैध तरीके से कमाई करते हुए बदमाश नजर आ रहे हैं, और इस मामले पर कई बार कार्रवाई की जा चुकी है, फिर भी अभी तक इस डीजल पेट्रोल के गोरख धंधे का अवैध कारोबार लगातार जारी है। और कानपुर से इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता उपेंद्र अस्थाना जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, कई बार कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन अभी तक ये गोरख धंधा बंद क्यों नहीं हुआ है, क्या वजह नजर आ रही है? जी, आप बता चले, जो ये मामला था ये महाराजपुर थाना क्षेत्र के पीरपुरवा चौकी का जो मामला है पूरा, और इस मामले में भारतीय पेट्रोल जो पंप है उसका, जो भारतीय पेट्रोलियम जो है उसका टैंकर जो लगातार यहाँ पे जो है, जिसके वीडियो के माध्यम से लोग देख रहे हैं कि ऐसे पूर्वामीर चौकी के पास से 1 किलोमीटर दूर जो है वो जा रहा है जंगल रास्ते पे, और आगे जा करके जो एक बाड़ा टाइप का बना हुआ है जिसमें सारी मशीनें वहाँ सेट है, और उसके बाद जो टैंकर जो होता है, ड्रम होते हैं, उस ड्रम में पलटाया जाता है, उसके बाद जो सारे नकली तेल जो है इसमें मिक्सिंग की जाती है केमिकल की। जी, कितने लोगों की मिलीभगत बताई जा रही है इस गोरख धंधे में?
जी आप बता चले अभी तक जो पुलिस है इसको लेकर के जो पुलिस जब खबर सोशल मीडिया में वायरल हुई है उसको लेकर पुलिस लगातार सक्रिय है और दबिश डाली है, तो वहां पर मौके पर जब पुलिस ने दबिश डाली है तो वहां पर जो है गिरफ्तारी किसी के भी नहीं हो पाई है और जो सामान था उसको गिरफ्तार पूरे हिरासत में ले लिया गया है। और उसके बाद आप बताते चले जो जो पुरुआ मीर चौकी जो पड़ती है वो जो चौकी इंचार्ज जो है शशिकांत मिश्रा उनके ऊपर जो है कार्रवाई की गई है कानपुर आउटर एसपी के माध्यम से। जी क्या पुलिस की भी लापरवाही देखने को मिली क्योंकि एक साल से गोरख धंधा चल रहा है और पुलिस को इस बात की भनक भी नहीं लगी? जी हाँ बिल्कुल सही बता चले आपको, जब ये एक साल के ऊपर से लगभग धंधा चल रहा था पूरी तरीके से सक्रिय था, इसमें रात भर दिन भर जो है 24 घंटे में से जो भी टैंकर निकलता था वो टैंकर का जो नीचे का लेवल का लो फ्लोर था उसके जो है उसमें देखा है तो एक बार में 200 से 300 जो है लीटर ड्रम जो पेट्रोल जो है उसको निकाला जाता था, उसका उसमें मिक्सिंग की जाती थी। और इसमें जो गिरफ्तारी है अभी तक गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है और हर महीने देखा जाए तो वहां सूत्रों से खबर ये आ रही है कि जो पेट्रोल माफिया थे ये लोग डीजल माफिया थे इनका जो है महीने का वहां पैसा बताया हुआ था। टैंकर चालकों की बात करें तो क्या इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है? जी हाँ बिल्कुल, भारतीय पेट्रोलियम के जो अधिकारी हैं इस खबर के बाद से सोशल मीडिया वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो भारतीय पेट्रोलियम के अधिकारी हैं वो बिल्कुल देखा जाए तो वो जो टैंकर पकड़ा गया है उसके ड्राइवर के खिलाफ और जहाँ टैंकर जा रहा था जिसके बिल्टी में बिल कटा था उसको लेकर इलाहाबाद रोड पर जा रहा था जिसपे सरसौल के पास टैंकर खाली होना था, उससे पहले जो है ड्राइवर जो है यहाँ पे 200-300 लीटर जो पेट्रोल है वो निकालता था। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी। हरदोई जिले के थाना में ऑपरेशन के एवज में एक डॉक्टर द्वारा रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। इस दौरान डॉक्टर पर आरोप लगाया गया है कि एक लड़के के हाथ में फोड़े के ऑपरेशन के लिए बिचौली के माध्यम से इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने 6,000 रुपए रिश्वत ली, लेकिन कुछ देर बाद ही लड़के के परिजनों के मौके पर पहुंच कर दिए गए रुपए को वापस लेने के लिए जमकर हंगामा किया, जिसकी सूचना पाकर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल मौके पर पहुंची और रिश्वतखोरी को लेकर डॉक्टर को कड़ी फटकार लगाई, साथ ही पीड़ित को रुपए वापस करने के निर्देश भी दिए। सुनने में यह आया है कि चिकित्सक के पास मरीज खुद लेकर आया था, उसका कोई रिश्तेदार लेकर आया था कि उनको जल्दी इलाज थी, उसके हाथ सड़ रहा था तो वो चाहते थे कि अच्छा से अच्छा इलाज हो जाए, शायद इसी नजरिए से उन्होंने डॉक्टर को पैसे दे के अपना इलाज में प्राथमिकता चाही। हालांकि ये डॉक्टर की तरफ से गलत था कि उनके लिए सभी मरीज बराबर होने चाहिए थे, किसी मरीज को प्राथमिकता देना और किसी को जो पैसा दे दे उसे प्राथमिकता देना और जो ना दे उसको अनदेखा करना ये गलत रवैया है, जिसके लिए मैंने डॉक्टर को सचेत किया है। अगर बहुत ज़्यादा एक हद से पार हो जाएंगी ये बातें तो डॉक्टर को भी परेश किया। हरदोई से हमारे साथ संवाददाता हर्षराज जुड़ चुके हैं इस खबर पे। हर्षराज, क्या है पूरा मामला और इसमें क्या कुछ एक्शन लिया गया है, पूरी जानकारी चाहेंगे। आपको बता दें ये सुरसा थाना क्षेत्र के खागरा गांव का है, यहाँ पे जो वहां से 10 वर्षीय बालक आया था तो उसके हाथ में फोड़ा था और फोड़े के नाम पे उससे 6,000 रुपए लिए गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ योगी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री लगातार छापेमारी कर रहे हैं, जगह जगह औचक निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर रिश्वत लेने से बाहर नहीं आ रहे हैं। यहाँ की प्राचार्य उनको जब खबर लगी तो यहाँ पे मौके पे आई, उन्होंने जमकर डॉक्टर की फटकार लगाई, लेकिन सिर्फ कार्रवाई के नाम पे जांच होती है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा सकता है स्वास्थ्य मंत्री भी महकमा इतना मतलब कड़क तरीके से औचक निरीक्षण करते हैं लेकिन फिर भी डॉक्टर्स हैं अधिकारी हैं रिश्वत लेने से बाहर नहीं आ रहे हैं। जी, तो इसमें क्या कुछ एक्शन लिया गया है और प्राचार्य का क्या कुछ कहना है? प्राचार्य ने कहा कि जांच कर कार्रवाई होगी, लेकिन जांच के नाम पर सिर्फ कार्रवाई कुछ नहीं होती है, सिर्फ ठंडे बस्ते में उसको डाल दिया जाता है, जबकि पीड़ित भी आरोप लगा रहा है और प्राचार्य के सामने फटकार भी लगाई जा रही है, प्राचार्य खुद फटकार लगा रही है, लेकिन उस डॉक्टर को सस्पेंड कर देना चाहिए था लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी, तो क्या इससे पहले भी कोई घूसखोरी का मामला सामने आया है अस्पताल से?
हरदोई जिले में कई बार ऐसे वीडियो और ऐसी घटनाएं बराबर हो रही हैं, लेकिन अधिकारी कोई भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं, सिर्फ फटकार लगाई जाती है और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ जांच बैठाल दी जाती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ हरदोई से संवाददाता हर्षराज जुड़े थे। चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।